सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो बच्चों के लिए लेकर आया हूँ, ख़ास तौर से कोरोना जो कि महामारी फैल रही है उसका इलाज अभी तक नहीं मिला है। तो कोरोना से बचने के लिए ख़ास तौर से बच्चों को अभी से ध्यान देना होगा। तो बच्चे ध्यान से सुने, पेरेंट्स सुने और बच्चों को क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाना चाहिए उस पर भी ध्यान देना है। कोरोना की दवाई माने तो हमारे शरीर के अंदर ही है। प्रिय बच्चों, कोरोना वायरस की कोई दवा अभी तक नहीं बनी है। जो भी कोरोना से स्वस्थ हुए हैं वो सिर्फ अपनी इम्यूनिटी, शरीर की स्वयं की रोगों से लड़ने की ताकत क्षमता भी कह सकते हैं से ही ठीक हुए हैं। बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि ये बीमारी एक बार तो सबको ही होनी है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो बच जाएगा, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी वो नहीं बचेगा। मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी ही कोरोना की दवाई है। हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधी जो रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वही कोरोना की दवाई है। तो हमें सारा ध्यान अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर देना चाहिए। यदि आप इस महामारी को मात देना चाहते हैं तो हमें वह सीखने की बहुत आवश्यकता है, वह जानने की बहुत आवश्यकता है कि किन चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है और किन चीज़ों से इम्यूनिटी घटती है। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं, पहले इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों पर ध्यान देते हैं। योगा, व्यायाम या कोई खेल, घर का बना शुद्ध भोजन, स्वच्छ जल, आंवला किसी भी रूप में खा सकते हैं, मुरब्बा, अचार या कुछ सब्जियों में डालकर भी, फल, ख़ास तौर से खट्टे वाले फल, विटामिन सी वाले फल, हरी सब्जियां, दालें, गुड़, शुद्ध तेल खाने के लिए, खाने वाला शुद्ध तेल, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं, तुलसी व अन्य आयुर्वेदिक पेय पदार्थ, दूध, दही, लस्सी, शुद्ध घी इत्यादि चीज़ों से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, जो हमें रोगों से लड़ने की ताकत देती है। वो चीज़ों का ध्यान भी रखें जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटाती हैं, इम्यूनिटी कम करती हैं, जैसे मैदा। मैदा सबसे विनाशकारी पदार्थ किसी भी रूप में, जैसे ब्रेड, नॉन भटूरे, बर्गर, पिज्ज़ा, जलेबी, समोसा, कचौड़ी, पाव भाजी इत्यादि बिल्कुल भी ना खाएं। रिफाइंड ऑयल, बाहर का बना कोई भी जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। मैदे और चीनी से बनी चीज़ तो बिल्कुल कतई ना खाएं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, जलेबी इत्यादि। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना लें। पैकिंग वाली चीज़ें ना खाएं, जो बनी हुई पैकिंग की आती हैं बिल्कुल ना खाएं। इस तरह इन बातों को अपनाकर आप अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो कि कोरोना को मात दे सकते हो। ध्यान रहे, आपकी इम्यूनिटी ही कोरोना की दवाई है और इम्यूनिटी पावर से कोरोना ही नहीं अन्य बीमारियों से भी भली भांति बचा जा सकता है। तो योग करें, व्यायाम करें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। थैंक यू।